आप है, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ये ग्राफ ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ग्राफ ये बताता है कि दिस इज 97.97% या फिर अगर कुल जल को देखा जाए तो 1320 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है, ये जो जल है इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये समुद्री जल है, खारा पानी, ठीक है, सलाइन वाटर, ठीक है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, और ये इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। बाकी हमारा किस पे नियंत्रण है तो 3% जल पे है। इसकी कुल मात्रा कितनी है? 37.5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। इस जल पे हमारा नियंत्रण है, क्यों? क्योंकि ये मीठा जल है, ठीक है, फ्रेश वाटर है, और इसी को हम लोग किसी भी प्रकार से उपयोग करते हैं जनजीवन के लिए, या अगर पूछा जाए पृथ्वी पे जीवन के लिए कौन सा जल उत्तरदायी है तो ये मीठा जल उत्तरदायी, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 97% समुद्री जल, 7% मीठा पानी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, अब ये 3% जल, ये जो 3% जल है इसका दूसरा ग्राफ देखिएगा तो दैट इज, इस 3% जल में लगभग अगर इस सर्कल को बनाए, ठीक है, तो ये 3% जल में अगेन 77% कहां पे है? हिमखंड में है, हिमनाद में है, ग्लेशियर में, ठीक है। अगेन हमारा उसका कोई उपयोग नहीं। इस पे सीधा कंट्रोल प्रकृति का ही है। गर्मी के मौसम में यही ग्लेशियर पिघलता है और यही ग्लेशियर नदी का रूप लेता है, जैसे गंगा यमुना जो पेरिनियल रिवर है, सालों भर जिसमें पानी रहती है, तो उसका जो मुख्य स्रोत क्या है? ग्लेशियर, तो वहां से ये पानी आता है। लेकिन मानव का इस ग्लेशियर पे या इस 77% जल पे कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट बच जाता है दैट इज 11%। 11% जो पानी है वो अंडरग्राउंड भूजल है, ठीक है, भूजल मतलब जिसकी गहराई 800 मीटर से नीचे है, ठीक है। अगेन ये भी हमारे लगभग कंट्रोल में नहीं है, हमारे काम का तो है लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं है, और इसे छूना भी खतरे से खाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस जल को छूते हैं, 800 मीटर से नीचे की जल को छूते हैं, तो ये हमारे पर्यावरण को, पारिस्थितिकी तंत्र को ये करेगा, बाधा पहुंचाएगा, ठीक है, हमारे पर्यावरण में असंतुलन पैदा करेगा। तो डायरेक्टली हम किस पे निर्भर है? 11% 800 मीटर वाले जल पे, जो हम लोग कुआं खोदते हैं, ठीक है, नलकूप बनाते हैं, हैंडपाइप वगैरह जो करते हैं, मोटर पंप जो हम लोग डालते हैं, तो वो सीधे किसके लिए? 800 मीटर जल के लिए, ठीक है, ओके। और बाकी जो हम सीधे रूप से जिसे हम उपयोग कर सकते हैं बिना किसी ये के, बिना किसी परेशानी के, 1% जल को ही हम सीधे रूप से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यही झील में है, यही नदी में है और यही नहरों में है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारा सीधा नियंत्रण क्या है, 1% जल, ठीक है। तो बाकी अगर ये 3% जल को, 3% में भी कहने का मतलब अगर ये 22% जल को, ठीक है, 77% तो कोई उपयोग नहीं है, ये 22% जल को अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो उसका एक ही मात्र स्रोत है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि हर साल मानसून की बारिश होगी, हर साल झारखंड में 1200 से 1600 मिलीमीटर की बारिश होगी, बस फर्क यह है कि आप इस वर्षा को कितना संचित कर सकते हैं, कितना स्टोर कर सकते हैं, आप इसके लिए क्या क्या नियम कानून बना सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, जिसके तहत ये जो वर्षा का जल है ये संचित होकर के रहे और बाकी के 8 महीने में, 4 महीने तो मानसून हो गया, बाकी के 8 महीने के लिए आप इसी जल का सिंचाई के पर्पज से उपयोग कर पाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, ओके। नहीं नहीं, वो वर्षा जल अलग हो गया, ठीक है, वो वर्षा जल उसी को हम लोग संरक्षित करने के लिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहां जो हम ये बता रहे हैं, ये जो हमारे पास जल है भू के नीचे जो जल है, हमारे जो पास जो पर्याप्त स्रोत है, ठीक है। अब वर्षा का जल से इनडायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर कैसे बना? वर्षा के जल से ही बना, ठीक है, लेकिन वो जो वर्षा का जल है उसको हम लोग 3% में नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो हर साल होगा, ठीक है, ये है परमानेंट है जो हमारे पास उपलब्ध है अस्थायी रूप से, ठीक है, ओके। वर्षा जल में एक चीज और हो सकती है, मॉनसून हो सकता है कभी ज्यादा हो कभी कम हो, ठीक है, मॉनसून हो सकता है समय से ना आए, ठीक है, तो इसलिए वर्षा जल पे बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं है, लेकिन जो ये 3% जो जल है ये हमारे पास अस्थाई है, ठीक है, वर्षा जल को इसमें इंक्लूड नहीं करें। क्लियर यहां तक, ठीक है, समझने के पर्पज से क्लियर। हाँ हाँ, बेसिकली जो है हम लोग इस जल पे निर्भर है, ठीक है, जिसको हम लोग नलकूप के माध्यम से निकालते हैं सिंचाई के लिए, और ये 1% जल पे हम लोग निर्भर है, ठीक है, ओके। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, कहां तक हम लोग देखे थे, कौन सा ये टॉपिक देख रहे थे, फिर से एक बार सब लोग एक ही, हाँ,
ये करवा दिए थे, ये लिखवाना था, ठीक है ओके। चलिए तो एक और ये हम लोग मैप देख लेते हैं, और इसके बाद ये नया मैप है, ठीक है। ये पॉइंट सब लोगों को समझ में आए, बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। तो जब भी आप लिखेंगे तो ये सब चीज को हमेशा ध्यान में रख करके लिखेंगे, ठीक है। इससे आंसर भी इफेक्टिव होगा, ठीक है, और दूसरा आपके आंसर में जान आएगा। मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। वो रटंत विद्या से लिख देना कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग डेफिनेशन वगैरह लिख देना, ये उतना प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी, मेंस का अगर ये कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर सिविल्स का अगर आप मेंस दे रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपकी सोच में गहराई हो, ठीक है, सरफेस नहीं हो, ठीक है, एकदम सतही नॉलेज नहीं हो, थोड़ा परिपक्व नॉलेज हो, गहराई वाला नॉलेज, ठीक है। तो ये सब जो चीज है, ये सब जो डाटा है, आंकड़ा है, आपकी सोच को गहराई प्रदान करे। यही नहीं, आप अगर आगे बढ़ेंगे और इंटरव्यू राउंड में भी जाएंगे तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में डाला जा सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज द यूज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। आप अगर कहीं के ये बनते हैं, पदाधिकारी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, या कोई भी पदाधिकारी बनते हैं, तो आप झारखंड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपकी एक अपनी सोच होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए अभी से ही जरूरी है कि आप प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वन इज दैट इज एक और ये है ग्राफ, ग्राफ नहीं ये मैप है दरअसल, ठीक है, ये भारत का मैप है, ठीक है ओके। और इसमें विभिन्न प्रकार के बेसिन को, रिवर बेसिन को दर्शाया गया है ओके। तो आप यहां पे देख सकते हैं, अगर झारखंड का ये जो है, ठीक है, रिवर बेसिन, ये बहुत ही पुअर रिवर बेसिन है, ठीक है ओके। अगर वर्षा जल संचयन से बोले, ये यहां पे दो ही रिवर बेसिन प्रमुख है, पहला स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा रिवर बेसिन, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी का जो बेसिन है, और दूसरा दैट इज ब्राह्मी और बैतरणी, ये भी दक्षिणी पार्ट को ही छू करके गुजरता है, ठीक है। ये जो ब्राह्मी और बैतरणी जो है, ये दक्षिणी पार्ट को ही छू करके गुजरता है, और ये दोनों में सामान्यतः जल का जो स्तर है बहुत कम है। ये दोनों नदियां हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो सामान्यतः एक नदी का जो रूप होना चाहिए, जिसमें जल स्तर होना चाहिए, इन दोनों नदियों में उससे कम है। कहने का मतलब, अगर हम कंपेयर करें गंगा बेसिन से, ठीक है, या किसी और कृष्णा बेसिन से, कावेरी बेसिन से, महानदी बेसिन से, नर्मदा बेसिन से, तो इसके कंपैरिजन में ये जो दोनों बेसिन है जो झारखंड में है, इसमें जल स्तर बहुत कम है। तो अगेन फिर हमारी निर्भरता किस पे आ जाती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारे दृष्टिकोण को आपको समझना है, इसको कनेक्ट करना है, ठीक है ओके। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं, दैट इज द इस पार्ट में अगर देखिएगा तो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये रिवर बेसिन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है ओके। सो फर्स्ट वन दैट इज द पूर्वी प्रवाही नदी, ठीक है, जो महानदी ये पार्ट में आता है, ठीक है, डिफरेंट ये में बांटा गया है। खैर ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने वाली बात यह है कि जो दो रिवर बेसिन है उसमें जल स्तर कम होता है, जो झारखंड में है उसमें जल स्तर कम है, इसके कारण से हमें वर्षा जल संचयन करना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक मैप देख सकते हैं, ठीक है, फिर एक दूसरा मैप है, दैट इज अगेन ये जो गंगा रिवर बेसिन है, ठीक है, इसमें जल की जो गुणवत्ता है, ठीक है, वो अच्छी गुणवत्ता है, अच्छे जल की गुणवत्ता है, ठीक है। और दूसरी अगर यहां पे देखिएगा कि जैसे जैसे ये नीचे की ओर आ रही है, या फिर दक्षिणी पार्ट में जैसे की ओर आ रही, दक्षिणी पार्ट में जब ये आ रही है, ठीक है, या इसके जो दक्षिण ट्रिब्यूटरी है, इसमें जल का जो स्तर होता है दैट इज निम्न गुणवत्ता वाला, ठीक है, क्योंकि वो बाकी जो जल है क्या करेगा, मटमैला होगा, ठीक है, बहुत सारे गंदगियों को कलेक्ट करता आएगा, ठीक है, और इसके कारण से ये जल अगेन बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोग साबित नहीं हो सकता है। तो फिर हमारे पास सबसे शुद्ध जल का स्रोत क्या हो जाता है, वर्षा जल। मेरी बात समझ में आई, ठीक है ओके। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ग्लेशियर है, यहां से ये चल रहा है, ठीक है, और यहां से जब ये चल रहा है तो अपने रास्ते में जब ये गंगा नदी जो है मैदानी इलाके में आती है, तो तब तक आकर के वो बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी होती है, ठीक है। तो दक्षिण पार्ट में जो पहुंचेगा, गंगा का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र जो है, मैदानी क्षेत्र, इस तक जब ये पहुंचेगा तो ये बहुत ज्यादा अशुद्ध हो चुका होगा, इम्प्योर हो चुका होगा, ठीक है, और अगेन ये हमारे पर्पस से बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं, इस पर बहुत ज्यादा हम निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से भी अगेन हमारी निर्भरता वर्षा जल संचयन पे हो जाती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज ये एक छोटा सा है, ठीक है, इसको ग्राफ को आप देख लीजिए, ठीक है, चार स्तर से जैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो इसके तीन चार तरीके हैं ओके। दैट इज सर्विस कूप द्वारा जल संचयन, ठीक है, मतलब अगर जैसे पहाड़ों पे, खासकर ये वाला जो पद्धति है,
ये झारखंड में सबसे अधिक फॉलो किया जाता है, ठीक है, कि जो भी पहाड़ वगैरह के जो जल हैं, ठीक है, उसको हम लोग चेक डैम बना करके, ऐसे चेक डैम बना करके इसको हम लोग ये करते हैं। जब भी आप जो मतलब रांची और हजारीबाग, रांची और रामगढ़ के एरिया में जाइएगा या कहीं भी पतरातु वगैरह जाइएगा तो देखिएगा ऐसे छोटे छोटे चेक डैम बने हुए हैं, ठीक है, मतलब पहाड़ों से जो आता हुआ जल है, ठीक है, इस जल को हम लोग चेक डैम बना करके क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं। जब वो स्टोर रहता है तो ऑटोमेटिकली झारखंड की ऐसी मिट्टी है कि ऑटोमेटिकली भूजल का वो पार्ट बन जाएगा। मतलब एक दिन भी अगर उसको छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जमीन के नीचे वो बैठ जाएगा। जमीन के नीचे बैठेगा तो कहां जाएगा, भूजल का पार्ट बनेगा, अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट बनेगा, जिसको बाद में आप फिर से बाहर निकाल करके, ठीक है, नलकूप या कुएं के द्वारा निकाल करके आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब ये अंडर वाटर टेबल का जो जल स्तर है ये बनाए रखेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम झारखंड में आप देखिएगा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के चेक डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये पूर्णभरण कूप द्वारा, ये बेसिकली मैदानी इलाके में, जैसे बिहार वगैरह का जो इलाका है, ठीक है, यूपी का जो इलाका है, ठीक है, तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैक्सिमम ये चीज फॉलो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां जहां भी ये रहेगा उसमें मिट्टी धीरे, उसकी भी मिट्टी ऐसी चिकनी मिट्टी होती है कि धीरे धीरे जल उसमें बैठता चला जाएगा। अच्छा, बाकी अगर आगे आए तो अगर शहरी इलाके में देखेंगे, ठीक है, तो शहरी इलाके में दैट इज रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ अपार्टमेंट वगैरह रहते हैं, घर रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड सरकार का भी एक नियम है कि रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपको हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग का एक छोटा सा ये बनाना है। अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अगर एक प्रॉपर संरचना नहीं बनाते हैं हर घर में, तो आपका जो है वो घर इलीगल माना जाता है, ठीक है, किसी भी अपार्टमेंट, तो दैट इज रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ये बेसिकली शहरी क्षेत्र में फॉलो किया जाता है, एंड दिस वन दैट इज ग्रामीण, ठीक है, गांव के इलाके में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पुनर्भरण कूप बनाते हैं, ठीक है, रिचार्ज वेल बनाते हैं और उसमें जल को संरक्षित करके या उसको इकट्ठा करके फिर वो अपने आप वाटर टेबल का पार्ट बन जाता है, भूजल का पार्ट बन जाता है। तो ये चार तकनीक है वर्षा जल संचयन के, क्लियर, ठीक है। कुल मिला के थोड़ा बहुत आइडिया लगा व्हाट इज वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, और अगेन, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी फॉलोड, ठीक है, एक तो पढ़ाई के पर्पज से है ही, दूसरा इस भी पर्पज से आपको समझना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एकमात्र भारत के दृष्टिकोण से एकमात्र निर्भरता का स्रोत है जिसमें हम निर्भर रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मानसूनी एरिया, यहाँ पे मानसून का जो बारिश है पर्याप्त होता है, लेकिन वो मैक्सिमम जो बारिश है वो बह जाती है, बारिश का जो पानी है वो बह जाता है, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनीवन एनी डाउट टिल हियर? शहरी क्षेत्र में वर्षा का क्या यूज है? देखिए, सबसे ज्यादा तो शहरी क्षेत्र में यूज है, ठीक है, ओके, क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है कि जितना शहरी क्षेत्र में जल बर्बाद होता है, वर्षा जल बर्बाद होता है, उतना किसी क्षेत्र में नहीं बर्बाद होता, ठीक है, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखेगा तो ऐसे भी ग्रामीण लोग जो है वो शहरी लोग से पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन व्यवहारिकता के मामले में वो शहरी लोगों से बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है, ठीक है, ओके, उनमें हो सकता है कि किताबी शिक्षा कम हो, लेकिन उन लोगों ने अपने वंश से, अपने दादा परदादाओं से जो शिक्षा ली है उसके आधार पर ये समझते हैं, वो ये जानते हैं कि वर्षा जल का क्या महत्व है, ठीक है। तो अगर शहरी क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम शहर में क्या है, कॉन्क्रीट एरिया है, ठीक है, सरकार का सबसे पहला दायित्व क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पक्का रोड देना, सीमेंटेड रोड देना, ठीक है, कहीं भी आपको खाली जमीन उतना नहीं मिलेगा। अच्छा, कहीं भी अगर जमीन है तो उस पर टाइल्स मार्बल बिछा हुआ है, ठीक है, ओके, तो ये सब, या फिर पत्थर बिछा देते हैं, ठीक है, तो ये सब के कारण क्या होगा कि जो पानी, वर्षा जल जो है वो निरंतर बहता चला जाएगा और बह करके नाला में चला जाएगा, ठीक है, नाला में गंदा जल होगा, ठीक है। अगर यही चीज मान लीजिए कि अगर वो ओपन एरिया रहता, खुला हुआ एरिया रहता और मिट्टी पे पानी पड़ता, तो प्रकृति की एक सिंपल टेक्नोलॉजी है कि कोई भी पानी अगर जमीन पे पड़ेगा तो धीरे धीरे जमीन के नीचे बैठते बैठते भूजल का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, वाटर टेबल का पार्ट बन जाएगा। लेकिन शहरी क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा अभाव है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, आपको स्मार्ट सिटी बनाना है, ठीक है, लुक्रेटिव सिटी बनाना है, ठीक है, देखने योग्य, मतलब बढ़िया सिटी बनाना है, उस बढ़िया सिटी के लिए में आप क्या करते हैं, मैक्सिमम जगह को आप कॉन्क्रीट कर देते हैं, पक्का से ढक देते हैं, तो जब भी वर्षा होगा तो वो सारा का सारा पानी क्या होगा, नाले में बह जाएगा, ठीक है। तो नाले में सबसे, अगर वो पानी नाले में चला गया तो सबसे पहला वो जल प्रदूषण से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि नाले में तो आपका सर्फ का भी पानी जाता है, ठीक है, डिटॉल, फिनाइल, हॉस्पिटल का भी सारा चीज पानी जाता है, ये तो शहर में ही होता है मैक्सिमम, हॉस्पिटल का जमावड़ा है, ठीक है, सारा चीज है। तो इसीलिए वर्षा जल संचयन की सबसे ज्यादा महत्ता है शहरों में,
ठीक है, क्योंकि बारिश तो ऐसा देख करके नहीं बहेगा कि भाई इंद्रदेव तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे गांव है यहाँ पे कम बरसाना है, यहाँ पे शहर है ज्यादा बरसाना है। वर्षा कहीं भी ज्यादा हो सकती है कहीं भी कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन शहरों में इस वर्षा जल की बर्बादी अधिकतम होती है। इसीलिए जरूरी है कि जो, और दूसरी बात क्या है कि शहरों में बेसिकली कॉन्क्रीट है, जैसे छत है तो आपका कॉन्क्रीट है, अपार्टमेंट है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है तो उसका छत बना हुआ है, वो छत कॉन्क्रीट है तो उस पर जो पानी गिरेगा वह मैक्सिमम प्योर ही रहेगा क्योंकि कंक्रीट में गंदगी कम रहती है, ठीक है। यही मिट्टी में गिरेगा तो हो सकता है कि ज्यादा गंदा हो जाए, लेकिन अगर छत पे गिरेगा तो वो मैक्सिमम प्योर ही रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें गंदगी नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप उस छत के जल को जो बारिश के कारण आया है उसे आप कहीं पे संरक्षित कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप उसे ऐसे ही बहने दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल एक आउटलेट बना दी और बाहर गिर रहा है तो बर्बाद जा रहा है, फिर वो नाले में चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को कलेक्ट करके एक मार्ग दिशा बना करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉलो करके अगर आप उसे अंडर वाटर डाल दे रहे हैं, जमीन के नीचे डाल दे रहे हैं, तो वो आने वाले समय में, ठीक है, आप ही के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक सिंपल जोक के लैंग्वेज से बताते हैं, ठीक है, एक मजाकिया लैंग्वेज से। पढ़े लिखे लोगों का ये सबसे बड़ा चीज है कि पहले वो पढ़ते हैं, कागज पे लिखते हैं, ठीक है, और खूब कागज पे लिखते हैं, मतलब कागज को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं, और बाद में उसी कागज पे लिखते हैं कि डोंट कट द ट्री, पेड़ को ना काटे। और सबसे पहले जानने योग्य बात यह है कि ये कागज बनता कहां से है? पेड़ से। मेरी बात समझ में आ रही? तार्किकता समझ में आई? ठीक है, कि जिस कागज पे हम लिख रहे हैं वो पेड़ से बन रहा है, और उसी कागज पे हम लिख रहे हैं कि डोंट कट द ट्री, ठीक है, तो कहने का मतलब कागज तो सबसे पहले उसी से बना है, ठीक है, तो आप जो कागज बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यह समझिए कि कोई पेड़ बर्बाद हो रहा है। सेम यही चीज है, ठीक है, इसी को आप कनेक्ट कीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, कि पहले उसी जल को हम बर्बाद करते हैं, ठीक है, और जब हमारे नीचे में पानी का अभाव होता है, पीने योग्य पानी नहीं मिलता है, गर्मी के मौसम में जब हमारा पंप सूख जाता है, पंप पानी नहीं खींच पाता है, फिर हम त्राहिमाम करते हैं कि हमारे पास जल नहीं है। लेकिन जब जल था, जब 4 महीने वर्षा हो रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? मेरी बात समझ में? तो उस 4 महीने के लिए, अगर उसी 4 महीने में आप वर्षा जल संचयन कर लेते हैं, तो वो 1 साल के लिए आपको पानी की उपलब्धता प्रदान कर देता है, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं, कुछ सोचना है, बस जरूरत इस बात की है उस 4 महीने के पानी का जल संचयन, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और अगेन देश के मतलब विश्व के किसी और देश में बोला जाए तो हो सकता है ये उतना तार्किक ना हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे मॉनसून जैसी बारिश नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, ठीक है, अब अफ्रीका में बोल दें कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, तो पहले रेन तो हो जाए फिर तो हार्वेस्टिंग करें, पानी तो होना चाहिए, वर्षा तो होनी चाहिए, तो फिर तो उसका हार्वेस्टिंग करें, जहां पे वर्षा ही नहीं वहां पे हार्वेस्टिंग कैसा, ठीक है। लेकिन इंडिया में चूंकि हिमालय एक ऐसा बॉर्डर है, एक तरफ हम हिमालय से घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं, तो हमारी ऐसी जलवायु है जहां पे 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि हर साल 3 से 4 महीने मानसून की बारिश होगी और प्रचुर बारिश होगी। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में? चलिए अब इसको एक दो पॉइंट लिखते जाते हैं, फिर हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते जाएंगे।